निवारण होगा उनका। भिंडा नगर पालिका में उपाध्यक्ष व पार्षद रहे सुंदरलाल लिखमावत ने वर्ष 2011 में व्यावसायिक भवन का निर्माण करवा दिया, जिसके बाद आज तक पालिका से ना तो भू रूपांतरण करवाया गया और ना ही स्वीकृति के लिए राशि जमा करवाई। इसको लेकर वर्तमान पार्षद एजाज शेख ने पालिका से पत्रावली लेकर यह मामला उजागर करते हुए पालिका से मांग की है कि इस निर्माण और भू रूपांतरण की राशि पेनाल्टी सहित जमा करवाई जाए। अगर ऐसा नहीं होगा तो पालिका कार्यालय में धरना देने की चेतावनी दी। नगर पालिका बोर्ड 2000 से 2005 में उपाध्यक्ष व 2010 से 2015 तक पार्षद रहे सुंदरलाल लिखमावत ने सलूमर चौराहा निकट स्थित अपनी कृषि भूमि पर वर्ष 2011-12 में व्यावसायिक भवन का निर्माण करवा दिया। इसके बाद वर्ष 2014 में लिखमावत ने कृषि भूमि से 18,435 वर्ग फीट भूखंड आवासीय करवा दिया, लेकिन जिस भूखंड को आवासीय किया गया उसी भूखंड पर व्यावसायिक निर्माण कर रखा है, जिससे पालिका को करीब 10 से 12 लाख की राजस्व हानि हुई। इधर पूर्व पालिका उपाध्यक्ष सुंदरलाल लिखमावत ने बताया कि उन्होंने निर्माण स्वीकृति के लिए फाइल लगाई थी, परंतु पालिका ने कभी डिमांड नोटिस नहीं भेजा था। श्री सुंदरलाल जी लिखमावत जब पार्षद थे, उनके कार्यकाल में सलूमर चौराया उदयपुर रोड पर एक व्यावसायिक बिल्डिंग का निर्माण कर दिया था, जिसका मैं तत्कालीन उपाध्यक्ष होते हुए मैंने उनसे दो तीन बोर्ड मीटिंगों में बहस भी की। मैंने कहा आप नगर पालिका में शुल्क जमा क्यों नहीं करा रहे हो। उसके बाद उन्होंने नवंबर 2015 में नगर पालिका में एक फाइल जमा करी थी, उसमें उन्होंने जो पट्टा इंदराज किया था वो पट्टा की भी राशि नहीं लिखी हुई थी, तथा उन्होंने 150 रुपये जमा कराए, उसके बाद नगर पालिका में एक रुपया भी जमा नहीं कराया। नगर पालिका के जो अधिकारी है उन्होंने एक उद्योगपति को लाखों रुपए का फायदा दिया और नगर पालिका को लाखों रुपए का राजस्व का नुकसान कराया। और अगर नगर पालिका समय रहते इन जितने भी कॉम्प्लेक्स मालिक और ये सुंदर जी का श्री सुंदरलाल जी का जो मामला है, इनमें अगर पैसा जमा नहीं कराएंगे तो मैं अतिशीघ्र नगर पालिका के बाहर धरना प्रदर्शन करूँगा। आइए चलते चलते नजर डालते हैं अभी तक की खास सुर्खियों पर।